हमारी मायावती जी ने 5 साल में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को रोजगार देने का काम किया था, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार देने का काम किया, 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती की, और यही नहीं 30 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों देने का काम किया। साथियों यही नहीं बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेज को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन किया था और हमारे पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। और यही नहीं बल्कि हमारे गन्ना खरीदी के दाम भी रातों रात दुगने कर दिए गए थे। साथियों बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत चलकर ही बसपा की सरकार ने प्रदेश के सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाया था। जिस तरीके से यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनकर आप सभी वर्गों के लोगों का पूरा पूरा ध्यान रखकर आपको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाएंगे। सुन रहे थे आकाश आनंद को। आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद पर फिर से विराजमान होने के बाद अब हरियाणा के अंदर लगातार रैलियां कर रहे हैं। आकाश आनंद के द्वारा हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां हैं वो इन दिनों की जा रही है। हरियाणा में इसी साल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा को चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी ने मिलकर यहां पर गठबंधन करने का फैसला लिया है। इसी के मद्देनजर आकाश आनंद लगातार यहां पर रैलियां कर रहे हैं। उनकी आपको बता दें कि यहां पर लगातार रैलियां हो रही है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और इनेलो पार्टी के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला लगातार दोनों संयुक्त जनसभाएं कर रहे हैं। इस दौरान आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिन्होंने आपको बता दें अनुसूचित जाति जनजाति के और वाल्मीकि समाज को और खासतौर से अपर कास्ट के लोगों को भी बड़ी संख्या में रोजगार दिया था। हमारी पार्टी हमारी सरकार बनने पर हम रोजगार पर प्राथमिकता देंगे, लोगों को सरकारी नौकरियां देने पर है वो काम किया जाएगा। ये आकाश आनंद की तरफ से आह्वान है वो हरियाणा के अंदर किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस का अंदरूनी गठबंधन है, दोनों राजनीतिक पार्टियां मिलकर अनुसूचित जाति जनजाति के साथ खिलवाड़।